वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। हिंदुस्तान छोड़ दो इस्मत चुगताई, साहब मर गया। जयंत राम ने बाजार से लाए हुए सौदे के साथ यह खबर लाकर दी। साहब कौन साहब? वह कौंटरिया साहब था ना? वह काना साहब जैक्सन? चचा बेचारा, मैंने खिड़की में से झांक कर देखा, काय लगी पुरानी जगह जगह से खोदी हेंसी की तरह गिरती हुई दीवार के इस पार उधधे हुए सीमेंट के चबूतरे पर सक्खू भाई पैर पसारे मराठी भाषा में बौन कर रही थी। उसके पास पीटू उपटू बैठा हिचकियों से रो रहा था। पीटू यानी पीटक काले गोरे मेल का नायाब नमूना था। उसकी आंखें जैक्सन साहब की तरह नीली और बाल भूरे थे। रंग गेहुआ था, जो धूप में जलकर बिल्कुल तांबे जैसा हो गया था। इसी खिड़की में से मैं बरसों से इस अजीबोगरीब खानदान को देखती आई। यहीं बैठकर मेरी जैक्सन से पहली मर्तबा बातचीत शुरू हुई थी। सन 42 का हिंदुस्तान छोड़ दो का हंगामा जोरों पर था। ब्रांट रोड से दादर तक का सफर मुल्क की बेचैनी का एक मुख्तसर मगर जानदार नमूना साबित हुआ था। मैगन रोड के नाके पर एक बड़ा भारी सा अलाव जल रहा था, जिसमें राह चलतों की टाइयां, हैट और कभी मूड आ जाता तो पतलूने उतार कर जलाई जा रही थी। सीन कुछ बचकाना सही मगर दिलचस्प था। लच्छेदार टाइयां, नई तर्ज के हैट, इस्त्री की हुई पतलूने बड़ी बेदर्दी से आग में झोंकी जा रही थी। फटे हुए चित्ते पर हने आतिशबाज नए नए कपड़ों को निहायत बेतकल्लुफी से आग में झोंक रहे थे। एक क्षण को भी तो किसी के दिल में यह ख्याल नहीं आ रहा था कि नई गैरीडीन की पतलून को आग के मुंह में झोंकने के बजाय अपनी नंगी स्याह टांगों में ही चढ़ा ले। इतने में मिलिट्री की ट्रक आ गई थी, जिसमें से लाल भभूका थूथनियों वाले गोरे हाथों में मशीनगन संभाले धमाधम कूदने लगे। मजमा एकदम फुर से न जाने कहां उठ गया था। मैंने यह तमाशा म्यूनिसिपल दफ्तर के सुरक्षित हाथे से देखा था और मशीनगने देखकर मैं जल्दी से अपने दफ्तर में घुस गई थी। रेल के डिब्बों में भी अफरा तफरी मची हुई थी। बम्बई सेंट्रल से जब रेल चली थी तो डिब्बे की 8 सीटों में से सिर्फ 3 सलामत थी। परेल आने तक वो तीनों भी उखेड़कर खिड़कियों से बाहर फेंक दी गई और मैं रास्ते भर खड़े खड़े दादर तक आई। मुझे उन छोकरों पर कतई कोई गुस्सा नहीं आ रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था ये सारी रेलें, ये टाइयां पतलूने हमारी नहीं दुश्मन की हैं। इनके साथ हम दुश्मन को भी भून रहे हैं, उठाकर फेंक रहे हैं। मेरे घर के करीब ही सड़क के बीचों बीच ट्रैफिक रोकने के लिए एक पेट का लंबा सा लट्ठा सड़क पर बेड़ा डालक रहा। उस पर कूड़े करकट की अच्छी खासी दीवार खड़ी थी। मैं मुश्किलों से उसे फांदकर अपने फ्लैट तक पहुंची ही थी कि मिलिट्री की ट्रक रुक गई। उसमें से जो पहला गोरा मशीनगन लिए धम से कूदा था, जैक्सन साहब ही था। ट्रक की आमद की खबर सुनते ही सड़क पर रोक बांधने वाला दस्ता इधर उधर बिल्डिंगों में सटक गया था। मेरा फ्लैट क्योंकि सबसे निचली मंजिल पर था, लिहाजा बहुत से छोकरे एकदम रैला करके घुस आए। कुछ किचन में घुस गए, छह बाथरूम और टॉयलेट में दुबक गए। चूंकि मेरा दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए जैक्सन दो शस्त्रधारी गोरों के साथ मुझसे जवाब तलब करने आगे आया। तुम्हारे घर में बदमाश छिपे हैं, उन्हें हमारे हवाले कर दो। मेरे घर में तो कोई नहीं, सिर्फ मेरे नौकर हैं, मैंने बड़ी लापरवाही से कहा। कौन है तुम्हारे नौकर? ये तीनों, मैंने तीन छोकरों की तरफ इशारा किया जो बर्तन खड़बड़ कर रहे थे। यह बाथरूम में कौन है? मेरी सास नहा रही है, कहते हुए ख्याल आया मेरी सास इस वक्त न जाने कहाँ होंगी। और टॉयलेट में? उसके चेहरे पर शरारत की झपकी आई। मेरी माँ होगी या शायद बहन हो, मुझे क्या मालूम, मैं तो अभी अभी बाहर से आई। फिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि बाथरूम में तुम्हारी सास है? मेरे घर में दाखिल होते ही उन्होंने आवाज देकर मुझसे तौलिया मांगा था। अपनी सास से कह दो सड़क रोकना जुर्म है, उसने दबी आवाज में कहा और अपने साथियों को, जिन्हें वह बाहर खड़ा कराया था, वापस ट्रक में जाने को कहा। वह गर्दन हिलाता हौले हौले मुस्कराता हुआ चला गया। उसकी आंखों में अर्थपूर्ण जुगनू चमक रहे थे। जैक्सन का बंगला मेरे फ्लैट की चहारदीवारी से सटी जमीन पर था। पश्चिमी छोर पर समुद्र था। उसकी मेम साहब माँ दोनों बच्चों के इन दिनों हिंदुस्तान आई हुई थी। बड़ी लड़की जवान थी और छोटी 12-13 बरस की। मेम साहब सिर्फ छुट्टियों में थोड़े दिनों के लिए हिंदुस्तान आ जाती थी। उसके आते ही बंगले का हुलिया ही बदल जाता था। नौकर चाक चौबंद हो जाते, अंदर बाहर पुताई होती, बाग में नए गमले मुहैया किए जाते। मीम साहब के जाते ही जिन्हें पास पड़ोस के लोग चुराना शुरू कर देते, कुछ को माली बेच डालता। दोबारा जब मीम साहब के आने का गलगला मचता तो साहब फिर विक्टोरिया गार्डन से गमले उठवा लाता। जितने दिन मीम साहब रहती, नौकर बावर्दी नजर आते, साहब भी यूनिफॉर्म डाले रहता या
निहायत उम्दा ड्रेसिंग गाउन पहने साफ सुथरे कुत्तों के साथ लान और क्यारियों का बिल्कुल इस तरह मुआयना करता फिरता गोया वह 100% यानी सचमुच साहब लोगों में से है। मगर मीम साहब के जाते ही वह इत्मीनान की सांस लेकर दफ्तर जाता, ड्यूटी के बाद नेकर और बनियान पहने चबूतरे पर कुर्सी डाले बियर पिया करता। उसका ड्रेसिंग गाउन शायद उसका बैराई चुरा ले जाता। कुत्ते तो मीम साहब के साथ ही चले जाते, 2-4 देसी कुत्ते बंगले को यतीम समझकर उसके लान में डेरा डाल देते। मीम साहब जितने दिन रहती डिनर पार्टियों का जोर रहता और वह सुबह ही सुबह पंच सुरों में अपनी आया को आवाज देती, आया ऊ ऊ जी मीम साहब आया, उसकी आवाज पर तड़प कर दौती। मगर जब मीम साहब चली जाती तो लोगों का कहना था कि आया बेगम बन बैठी थी। वह उसकी गैरहाजिरी में एवजी भुगताया करती थी। फ्लोमिना और पीटू उर्फ पीटर इसी अस्थाई समर्पण के स्थाई प्रमाण थे। कुछ हिंदुस्तान छोड़ दो का हंगामा और कुछ मेम साहब उगता गई थी इस गंदे पिचे पिचाते मुल्क और उसके वासियों से, इसलिए जल्दी ही वह वतन सिधार गई। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात जैक्सन से इसी खिकी के जरिए हुई। तुम्हारा सास नहा चुका, उसने बम्बई की जबान में कमीन अपने से मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ साहब नहा चुका था, खून का स्नान किया उसने, मैंने तीखेपन से जवाब दिया। 14 बरस के चंद बच्चे कुछ ही दिन पहले हरी निवास पर जब गोली चली थी उसमें मारे गए थे। मुझे यकीन था कि उनमें से कुछ वही बच्चे होंगे जो उस दिन मिलिट्री की ट्रक आने पर मेरे घर में छिप गए थे। मुझे साहब से घिन आने लगी थी। ब्रिटिश साम्राज्य का जी ताजागता हथियार मेरे सामने खड़ा उन बेगुनाहों के खून का मजाक उड़ा रहा था जो उसके हाथ से मारे गए थे। मेरा जी चाहा उसका मुंह नोच लूं। उसकी कौन सी आंख शीशे की थी यह अंदाज लगा पाना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि वह शीशे वाली आंख विलायती थी, मक्कारी का आला नमूना थी। उसमें जैक्सन की सारी सफेद कौम की चालबाजी भरी हुई थी। उच्चता का दम दोनों ही आंखों में रचा हुआ था। मैंने धत से खिकी के पट बंद कर दिए। मुझे सा ककू बाई पर बहुत गुस्सा आता था। सुअ की बच्ची सफेद कौम के जलील कुत्ते का तर निवाला बनी हुई थी। क्या खुद उसके मुल्क में कोठियों और हरामजादों की कमी थी जो वह मुल्क की गैरत के नीलाम पर तुल गई थी। जैक्सन रोज शराब पीकर उसकी ठुकाई करता। मुल्क में बड़े बड़े मोर्चे फतह किए जा रहे थे। सफेद हाकिम बस कुछ दिनों के मेहमान थे। बस अब चल चलाओ है इनकी हुकूमत का कुछ लोग कहते। अजी ये शेख चिल्ली के ख्वाब हैं, इन्हें निकालना आसान नहीं, कुछ दूसरे लोग राय देते। इधर मैं मुल्क के नेताओं की लंबी चौड़ी तकरीरें सुनकर सोचती कोई जैक्सन काने साहब का जिक्र ही नहीं करता। वह मजे से सक्खू बाई को झूठे पका कर पीटता है, फ्लोम ना और पीटू को मारता है। आखिर जय हिंद का नारा लगाने वाले उसका कुछ फैसला क्यों नहीं करते। मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पिछवाड़े शराब बनती थी, मुझे सब कुछ मालूम था, मगर मैं क्या कर सकती थी। सुना था अगर गुंडों की शिकायत कर दो तो ये जान को लागू हो जाते हैं। वैसे मुझे तो यह भी नहीं मालूम था कि किससे रिपोर्ट करूं। सारी बिल्डिंग के नल दिन रात टपकते थे, नालियां सड़ रही थी, मगर मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि कहाँ किससे रिपोर्ट की जाती है। आसपास रहने वालों में भी किसी को नहीं मालूम था कि अगर कोई बच्चात औरत ऊपर से किसी के सर पर पुडे काटन उलट दे तो किससे शिकायत करें। ऐसे मौकों पर आमतौर पर जिसके सर पर कूड़ा गिरता वह मुंह ऊंचा करके खिकियों को गालियां बकता, कपाएं झाड़ता अपनी राह लेता। मैंने मौका पाकर एक दिन सक्खू बाई को पका, क्यों कमबख्त यह पाजी तुम्हें रोज पीटता है, तुझे शर्म भी नहीं आती। रोज कभी मारता बाई, वह बहस करने लगी। खैर वह महीने में 4-5 तो मारता है ना। हाँ मारता है बाई, सो हम भी साले को मारता है, वह हंसी। चल झूठी, अरे पीटू की सौगंध, हम थोड़ा मार दिया साले को परसों, मगर तुझे शर्म नहीं आती, सफ़ेद चमड़ी वाले की जूतियां सहती है। मैंने एक सच्चे वतन परस्त की तरह जोश में आकर उसे लेक्चर दे डाले। इन लुटेरों ने हमारे मुल्क तो कितना लूटा है वगैरह वगैरह। अरे बाई क्या बात करता तुम, साहब साला कोई नहीं लूटा, ये जो मवाली लोग हैं ना वो बेचारा को दिन रात लूटता। मीम साहब गया पीछे सब कटलरी फटलरी बेराय लोग पार कर दिया। अक्खा पटून कोट हैत इतना फर्स्ट क्लास जूता, सब खत्म, देखो चल के बंगले में कुछ भी नहीं छोड़ा। तुम कहता चोर है साहब, हम बोलता हम नहीं हो दे तो साल उसका बेटी काट के ले जा दे ऐ लोग, मगर तुम्हें उसका क्यों इतना दर्द है। काय को नहीं होवे दर्द, वो हमारा मर्द है ना बाई, सक्खू बाई मुस्कराए। और मीम साहब पक्की छिनाल हो, लंदन में उसका बहुत प्यार है। यहाँ सक्खू बाई ने मोटी सी गाली देकर कहा, वही मरी रहती है, आती भी नहीं, पन आती तो दन साहब से खिट खिट, नौकर लोग से गिट गिट।
मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि अब अंग्रेज हिंदुस्तान से जा रहे हैं, साहब भी चला जाएगा, मगर वह कतई नहीं समझी, बस यही कहती रही कि साहब चला जाएगा बाय, मगर उसे विलायत बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ सालों के लिए मुझे पूना रहना पड़ा। इस अरसा में दुनिया बदल गई। फिर सचमुच अंग्रेज चले गए। मुल्क का बंटवारा हुआ। सफ़ेद हाकिम पिटी हुई चाल चल गया और मुल्क खून की नहरों में नहा गया। जब बम्बई वापस आई तो बंगले का हुलिया बदला हुआ था। साहब न जाने कहाँ चला गया था। बंगले में एक रिफ्यूजी खानदान आ बसा था। बाहर नौकरों के क्वार्टरों में से एक में सखूबाई रहने लगी थी। फ्लोमिना खासी लंबी हो गई थी। पीटू और वह माहम के एक यतीम खाने अनाथालय में पने जाते थे। जैसे ही सखूबाई को मेरे आने की खबर लगी, वह फौरन ही हाथ में मूंगने की दो चार फलियां लिए आ धमकी। कैसा है बाई, उसने रसमन मेरे घुटने दबाकर पूछा। तुम कैसा है साहब, कहाँ है तुम्हारा, चला गया ना लंदन। नहीं बाई, सखूबाई का मुंह सूख गया, हम बोला भी जाने को पर नहीं गया। उसका नौकरी भी खलास हो गया था, ऑर्डर भी आया पर नहीं गया। फिर कहाँ है, अस्पताल में, क्यों क्या हो गया। डॉक्टर लोग बोलता कि दारू बोत पिया इस कारण मस्तक फिर गया। उधर पागल साहब लोग का अस्पताल है, उच्चा एकदम फर्स्ट क्लास, उधर उसको डाला, मगर वह तो वापस जाने वाला था। कितना सब लोग बोला, हम लोग बोला बाबा चले जाओ। सक्खू बाय रो पड़ी, पन नहीं हमको बोला सक्खू डाले, तेरे को छोड़कर नहीं जाएंगे। न जाने सक्खू बाई को रोते देखकर मुझको क्या हो गया, मैं भूल गई कि साहब एक लुटेरी साम्राज्य कौम का फर्द है, जिसने फौज में भर्ती होकर मेरे मुल्क की गुलामी की जंजीरों को ज्यादा जका बना दिया था, जिसने मेरे वतन के बच्चों पर गोलियां चलाई थी, निहत्थे लोगों पर मशीनगनों से आग बरसाई थी। वह ब्रिटिश साम्राज्य के उन घिनौने कलपुर्जों में था जिसने मेरे देश के जांबाजों का खून सड़कों पर बहाया था, सिर्फ इस कसूर में कि वह अपने हक मानते थे, इज्जत से जीना चाहते थे। मगर मुझे उस वक्त कुछ याद न रहा, सिवाय इसके कि सखूबाई का मर्द पागलखाने में भर्ती था। मुझे अपने इस तरह भावुक होने पर बहुत दुख था, क्योंकि एक कॉम्पस्ट को जाबिर कौम के एक फर्द से कतई किसी तरह की हमदर्दी या लगाव नहीं महसूस करना चाहिए। मैं ही नहीं, सभी भूल चुके थे। मोहल्ले के सारे लौंडे नीली आंखों वाली फिलोमिना पर बगैर यह सोचे समझे फिदा थे कि वह कीड़ा जिससे उसकी हस्ती अस्तित्व में आई सफ़ेद था या काला। जब वह स्कूल से लौटती तो कितनी ही ठंडी सांसें उसके इंतजार में होती, कितनी ही निगाहें उसके पैरों तले बिछी थी। किसी लौंडे को उसके इश्क करते सिर धुनते वक्त किंचित याद न रहता कि यह उसी सफ़ेद दरिंदे की लड़की है जी, सने हरिनिवास के नाके पर 14 बरस के बच्चे को खून में डिबोकर मारा था, जिसने माहम चर्च के सामने निहत्थी औरतों पर गोलियां चलाई थी क्योंकि वो नारे लगा रही थी, जिसने चौपाटी की रेत में जवानों का खून नीच डा था और सेक्रेटरिएट के सामने सूखे मारे नंगे भूखे लड़कों के जुलूस को मशीनगनों से दरहम बरहम किया था। उन सारे मंजरों को सब भूल चुके थे, बस इतना याद था कि कुंदनी गालों और नीली आंखों वाली छोकरी की कमर मा गजब की लचक है, मोटे मोटे गदराए हुए होंठों के कंपन में मोती खिलते हैं। एक दिन सखूबाई झोली में प्रसाद लिए भागी भागी आई। हमारा साहब आ गया, उसकी आवाज लर्ज रही थी, आंखों में मोती चमक रहे थे। कितना प्यार था इस लफज हमारा में, जिंदगी में एक बार किसी को पूरी जान का दम निचोकर अपना कहने का मौका मिल जाए तो फिर जन्म लेने का मकसद पूरा हो जाता है। अच्छा हो गया, अरे बाई पागल कब्बी था वह, ऐसे एच साहब लोग पका कर ले गया था, भागाया, वह राज बताने जैसे लहजे में बोली। मैं डर गई, एक तो हारा हुआ अंग्रेज ऊपर से पागलखाने से भागा हुआ, किसको रिपोर्ट करूं, बम्बई की पुलिस के लफ्ते में कौन पत्ता फिरे, हुआ करे पा गल मेरी बला से, कौन मुझे उससे मेल जोल बाना है। लेकिन मेरा ख्याल गलत निकला, मुझे मेल जोल बाना पड़ा, मेरे दिल में खुद बुद हो रही थी कि किसी तरह पूछूं जैक्सन इंग्लिस्तान अपने बीवी बच्चों के पास क्यों ना ही जाता, भला ऐसा भी कोई इंसान होगा जो जन्नत को छोड़कर यूं एक खोली में पड़ा रहे। और एक दिन मुझे मौका मिल ही गया, कुछ दिन तक तो वह कोठरी से बाहर ही न निकला, फिर आहिस्ता आहिस्ता निकलकर चौखट पर बैठने लगा। वह सूखकर कल्पचुदे कपाए जैसा हो गया था, उसका रंग जो पहले बंदर के चेहरे जैसा लाल चुकंदर था झुलसकर कत्थई हो गया था, बाल सफ़ेद हो गए थे, चारखाने की लुंगी बांधे मैली बनियान, चाहे वह बिल्कुल हिंदुस्तान का, गलियों में घूमते पुराने गोरखों की मानिंद लगता था। उसकी नकली और असली आंख में फ़र्क मालूम होने लगा था, शीशा तो अब भी वैसा ही चमकदार झिलमिल और अंग्रेज था, मगर असली आंख कंडली बेरौनक होकर ज़रा दब गई थी। अब तो ज़्यादातर वह शीशे वाली आंख के बगैर ही घूमा करता था।
एक दिन मैंने खिड़की में से देखा तो वह जामुन के पेड़ के नीचे खड़ा खोए खोए अंदाज में कभी जमीन से कोई कंकर उठाता, उसे बच्चों की तरह देखकर मुस्कुराता, फिर पूरी ताकत से उसे दूर फेंक देता। मुझे देखकर वह मुस्कुराया और सिर हिलाने लगा। कैसी तबीयत है साहब, उत्सुकता ने उकसाया तो मैंने पूछा। अच्छा है अच्छा है, वह मुस्कुराकर शुक्रिया अदा करने लगा। मैं बाहर जाकर इधर उधर की बातें शुरू की। जल्दी ही वह मुझसे बातें करने में बेतकल्लुफी महसूस करने लगा। फिर एक दिन मैंने मौका पाकर कुरेना शुरू किया। कई दिन की कोशिशों के बाद मुझे मालूम हुआ कि वह एक शरीफजा दी का नाजायज बेटा था। उसके नाना ने एक किसान को कुछ रुपए दे दिलाकर उसे पालने पोसने को राजी कर लिया, मगर यह मामला इस सफाई से किया गया कि उस किसान को भी पता न चल सका कि वह किस खानदान का है। किसान बड़ा कुटिल था, उसके कई बेटे थे जो जैक्सन को तरह तरह से सताया करते थे। रोज पिटाई होती थी मगर खाने को अच्छा मिलता था। उसने 12-13 बरस की उम्र से भागने की कोशिशें आरंभ की। 3-4 साल की लगातार कोशिशों के बाद वह लुकता पुकता धक्के खाता लंदन पहुंचा। वहां उसने कई पेशे बारी इख्तियार किए, मगर इस अरसे में वह इतना ढीठ मक्कार और स्वच्छंद हो गया था कि 2 दिन से ज्यादा कोई नौकरी न रहती। वह शक्ल सूरत से रोगी ला और खूबसूरत था, इस वजह से लड़कियों में काफी लोकप्रिय था। डार्थी उसकी बीवी नक्चदे खानदान की लड़की थी। उलार और ऊंची भी, उसका बाप ऊंची पहुंच वाला शख्स था। जैक्सन ने सोचा इस खानाबदोशी की जिंदगी में बड़े झंझटें हैं, आए दिन पुलिस और कचहरी से वास्ता पड़ता है, क्यों न डार्थी से शादी करके जिंदगी संवार ली जाए। डार्थी उसके बस के बाहर थी, उसकी पहुंच से दूर थी, वह ऊंची सोसाइटी में उठने बैठने की आदी थी। उस वक्त जैक सन की दोनों आंखें असली थी। यह तो जब वह डार्थी से लड़कर शराबखानों का हो रहा, वहां किसी से मारपीट में एक आंख जाती रही, तब तक उसकी सिर्फ बड़ी बेटी पैदा हुई थी। हाँ तो तुमने डार्थी को कैसे घेर का फांसा? मैंने और कुरेदा, जब मेरी दोनों आंखें सलामत थी। जैक्सन मुस्कुराया। किसी न किसी तरह डार्थी हत्थे चढ़ गई। कमबख्त कुंवारी भी नहीं थी, मगर ऐसे खेल रचाए कि बाप के न करते रहने के बावजूद शादी कर ली। बाप पने भी लड़की की मजबूरियों को समझ लिया और बीवी के रोज रोज के तकाजों से मजबूर होकर उसे हिंदुस्तान भिजवा दिया। यह वह दौर था जब हर निकम्मा अंग्रेज हिंदुस्तान के सर मत दिया जाता था, भले वहां जूते गांठता हो, यहां आते ही साहब बन बैठता। जैक्सन ने हद कर दी। वह हिंदुस्तान में भी वैसा ही निकम्मा और लाओबाली साबित हुआ। सबसे बड़ी खराबी जो उसमें थी वह उसका छिछुरापन था। बजाय साहब बहादुरों की तरह रौब दाब से रहे नेके, वह निहायत भोंडेपन से नीटो लोगों में घुल मिल जाता था। जब वह बस्ती के इलाके में जंगलात के मोहकमे में तैनात हुआ तो क्लब के बजाय न जाने किन चंडूखानों में घूमता फिरता था। आसपास सिर्फ चंद अंग्रेजों के बंगले थे। बदकिस्मती से ज्यादातर लोग अधिक उम्र के संभ्रांत थे। सुनसान क्लब में जहां हिंदुस्तानियों और कुत्तों को दाखिल होने की इजाजत नहीं थी, ज्यादातर उल्लू बोला करते थे। सभी अफसरों की बीवियां अपने वतन में रहती थी। जब कभी किसी अफसर की बीवी हिंदुस्तान आ जाती तो वह उसे बजाय जंगल में लाने के स्वयं छुट्टी लेकर शिमला या नैनीताल चला जाता। फिर बीवी हिंदुस्तान की गिलाजत से आजिज आकर वापस चली जाती और उसका साहब ठंडियाहें भरता, बीवी की हसीन यादें लिए लौट आता। साहब लोग वैसे अपना काम नीटो औरतों से चला लिया करते थे। इस किस्म के तल्लुकात से किसी का नुकसान नहीं होता था, हिसाब भी सस्ता रहता था। हिंदुस्तान का भी फायदा था इसमें। एक तो उनसे पैदा होने वाली औलाद खास गोरी हुआ करती थी, कभी काली भी। दूसरा यह कि उनके बारसुख बाप उनके लिए अनाथालय और स्कूल खुलवा दिया करते थे। सरकारी खर्च पर उनकी दूसरे हिंद स्थानियों के मुकाबले बेहतर शिक्षा दीक्षा होती थी। यह एंग्लो इंडियन गोरी शक्ल वाला वर्ग अंग्रेजों से बस दूसरे नंबर पर था। लड़के रेलवे जंगलात और नेवी में बड़ी आसानी से खप जाते थे। इनकी मामूली शक्ल वाली लड़कियों को भी सुंदर हिंदुस्तानी लड़कियों से बेहतर नौकरियां मिल जाती और वो स्कूल ऑफिसों और अस्पतालों की रौनक बढ़ाती। जो ज्यादा हसीन होती वो बड़े बड़े शहरों के पश्चिमग्रस्त ब्यूटी मार्केट में बड़ी सफल साबित होती थी। जैक्सन साहब जब हिंदुस्तान आया तो उसमें काने शख्स की तमाम बुराइयां कसरत से मौजूद थी। कानेपन के बाद शराब उसके व्यक्तित्व की दूसरी पहचान थी। हर जगह उसकी किसी न किसी से ठन जाती और उसका तबादला हो जाता। जंगलात से हटाकर उसे पुलिस में भेज दिया गया, जिसका उसे बहुत मलाल था, क्योंकि वहां एक पहाड़न पर उसका बुरी तरह दिल आ गया था। जबलपुर पहुंचकर वह उसे जरूर बुलवा लेता, लेकिन वहां उसे एक नटिनी से प्रेम हो गया।
ऐसा जोरदार इश्क कि उसकी बीवी सारी छुट्टियां नैनीताल में गुजारकर वापस चली गई और वह न गया। काम की अधिकता का बहाना करता रहा, छुट्टी न मिलने का रोना रोता रहा। मगर डार्थी के डैडी के कितने ही दोस्त थे जिनके दबाव से उसे जबरदस्ती छुट्टी दिलवाई गई। जब वह नैनीताल पहुंचा तो उसका कतई दिल न लगा। एक तो डार्थी उसकी जुदाई में उस पर बेतरह आशिक हो गई थी और चाहती थी दोबार हनीमून मनाया जाए। दूसरी तरफ उसे जैक्सन की प्रेम पद्धति से बड़ी घबराहट होती थी। वह इतने दिन हिंदुस्तान में रहकर एकदम अजनबी हो चुका था। पहाड़पन और नटनी दोनों ने हिंदुस्तानी पतिव्रता पत्नियों की तरह खिदमत करके उसका दिमाग खराब कर दिया था। साल में सिर्फ 2 महीने आने वाली बीवी भी बिल्कुल अजनबी हो गई थी। फिर उसके सामने जैक्सन को कई बंधन मानने पड़ते। एक दिन नशे में उसने अपनी बीवी से भी पहाड़न और नटनी के अंदाज में प्यार करने की इच्छा प्रकट कर दी। वह ऐसा भक्की कि जैक्सन के छक्के ही छूट गए। उसने बहुत जिरह की कि कहीं तुम भी दूसरे बेगैरत और नीच अंग्रेजों की तरह लोकल औरतों से मेल जोल तो नहीं बहाने लगे हो। जैक्सन ने कस्में खाई और डर थी को इतना प्यार किया कि वह उसकी नेक चलनी की कायल हो गई। उसे बड़ा तरस आया और वह उसे बड़े प्यार से जबलपुर ले आया। मगर वह वहां की मक्खियां और गर्मियों से बौखला कर पागलों जैसी हो गई। और तो सब वह झेल जाती। मगर जब उसके बाथरूम में दोनों ही निकली तो वह उसी वक्त सामान बांधने लगी। जैक्सन ने बहुत समझाया कि यह सांप नहीं और काटता भी नहीं, लेकिन उसने एक ना सुनी और दूसरे दिन दिल्ली चली गई। वहां से उसने जोर लगा कर सका ट्रांसफर बंबई करवा दिया। यह उस जमाने की बात है जब दूसरी जंग शुरू हो चुकी थी। नटनी की जुदाई और डार्थी का बंबई में स्थायी डेरा उसकी आत्मा को दीमक बनकर चाट रहा था। सक्खू बाई बच्चों की आया की मदद के लिए रखी गई थी, मगर जब बारिश से आज जाकर डार्थी बच्चों समेत इंग्लैंड गई तो जैक्सन की कृपा दृष्टि उस पर पड़ी। उफ, किस कदर उलझी हुई दास्तान थी साहब की, क्योंकि सक्खू बाई गणपत हेड बैरे की रखेल थी। वह उसे पवन पुले से फुसला लाया था। वैसे बीवी बच्चों वाला आदमी था। बोझ से बचने के लिए उसे बतौर असिस्टेंट के बच्चों की आया के नीचे रखवा दिया था। सक्खू बाई अपनी इस नौकरी से जिसमें फर्श पर पोंछा लगाने, बर्तन धो ने के अलावा गणपत को खुश करना भी शामिल था, काफी संतुष्ट थी। गणपत उसे कभी अपने किसी दोस्त को भी उस पर कृपा करने या कर्ज के बदले दे दिया करता, लेकिन बड़ी चालाकी से ताकि सक्खू बाई उखने न पाए। वह पीने से त पहले से ही कुछ वाकिफ थी। गणपत की सोहबत में बाकायदगी से रोज ठर्रा चाने लगी। जैक्सन भी कभी कभी उसके मजे लेने लगा। फिर वह अक्सर मेम साहब की इवजी भुगतने लगी। इस तरह गणपत के चक्कर से छुट्टी मिली। वह होल टा उसकी सारी पगारें लिया करता था। उन्हीं दिनों गणपत आर्मी में हेड बैरे की हैशियत से मिडिल ईस्ट चला गया और सक्खू बाई हमेशा के लिए मेम साहब की जगह जम गई। बस जब मेम साहब कभी छुट्टी में आती तो वह वक्त तौर पर अपनी खोली में ट्रांसफर हो जाती, और जब वह अपनी कूकदार आवाज में आयू यू, तब वह फौरन सब काम छोड़ छाड़ कर यस मेम साहब कहकर लपकती। यूं तो मेम साहब कहना सीखकर वह अपने को अंग रेजी दां समझने लगी थी। अंग्रेजी भाषा में यस नो डैम फूल सॉरी के अलावा और है ही क्या। हाकिमों का इन चंद लफ्जों में ही काम निकल जाता है। चौड़े भारी भरकम साहित्यिक जुमलों की जरूरत नहीं पड़ती। तांगे के घ देखो टक टक और चाबुक की चमक ही काफी होती है। मगर सक्खू बाई को यह नहीं मालूम था कि अंग्रेज की गाड़ी में जुता हुआ मरियल घोड़ा क्षुब्ध होकर गाड़ी पलट चुका था और अब उसकी लगामें दूसरे हाथों में थी। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। वह खुद, उसके दो बच्चे और उसका मर्द। जब मेम साहब हिंदुस्तान आया करती थी तब भी सक्खू बड़ी उदारता से एवजी छोड़कर फिर नैन्सी के हाथ के नीचे काम करने लगती। उसे मेम साहब से किसी तरह की जलन नहीं थी। मेम साहब वेस्टर्न ब्यूटी का नमूना हो तो हो, हिंदुस्तानी सौंदर्य के पैमाने पर उसे तौला जाता तो उसे अंडे जैसा शून्य मिलता। बस उसकी त्वचा खुरचे हुए शलजम की तरह कच्ची कच्ची थी, जैसे उसे पूरी तरह पकने से पहले उखाड़ लिया गया हो या उसे ठंडी बेजान कब्र में बरसों दफन करने के बाद निकाला हो। उसके छिदरे मैली चांदी के रंग के बाल बिल्कुल बुढ़ियों के बालों की तरह लगते थे, इसलिए सक्खू बाई के तबके के लोग उसे बुढ़िया समझते थे, या फिर सूरजमुखी जिसे हिंदुस्तान में बड़ा दयनीय समझा जाता था। जब वह मुंह धोए हुए होती तो उसकी पेंसिल से बनाई हुई भविंग गायब होती। चेहरा ऐसा मालूम होता गोया किसी ने तस्वीर को सस्ते रब से बिगा दिया हो। फिर डार्थी ठंडी थी, अजनबी थी। जैक्सन का वजूद उसके लिए एक घिनावनी गाली था। वह अपने को निहायत बदनसीब और सताई हुई समझती थी और शादी को नाकाम बनाने में वह काफी हद तक सही थी।
भले जैक्सन कितने ही बुलंद ओहदे पर क्यों न पहुंच जाता, वह उस पर गर्व नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि ये सारे ओहदे खुद उसके बाप के दिलवाए हुए हैं। जो किसी भी अहमक को दिलवाए जाते तो वह आसमान को छू लेता। इसके विपरीत सक्खू बाई अपनी थी, गर्मागर्म थी। उसने पवन पुल पर अलाव की तरह भड़क कर न जाने कितनों के हाथ तापने का सामान किया था। वह गणपत की रखेल थी जो अपनी पुरानी कमीज की तरह उसे दोस्तों को उधार दे दिया करता था। उसके लिए जैक्सन साहब देवता था, शराफत का अवतार था। उसके और गणपत के प्यार करने के तरीके में कितना फर्क था। गणपत तो उसे मुंह का मजा बदलने के लिए चबा चबा कर थूकता, और साहब एक लाचार जरूरतमंद की तरह उसे अमृत समझता। उसके प्यार में एक बच्चे जैसी लाचारी थी। जब अंग्रेज अपना टाट प्लान लेकर चले गए तब वह नहीं गया। डार्थी ने उसे बुलाने के सारे जतन कर डाले, धमकियां दी, मगर उसने इस्तीफा दे दिया और नहीं गया। साहब तुम्हें अपने बच्चे भी याद नहीं आते, मैंने एक दिन उससे पूछा। बहुत याद आते हैं, फिल्लू शाम को देर से आती है और पीटू लॉन्डो के साथ खेलने चला जाता है। मैं चाहता वे कभी मेरे पास भी बैठें। वह इधर उधर की उड़ाने लगा। पीटू और फ्लोमिना नहीं, एलेजिंगडर और लीजा, मैंने भी डिठाई उठ ली। नहीं नहीं, वह हंसकर सिर हिलाने लगा। पिल्ले तो कुतिया से मानूस होते हैं, उस कुत्ते को नहीं पहचानते जो उन के वजूद में साझीदार होता है, उसने अपनी असली आंख मार कर कहा। यह जाता क्यों नहीं, यहाँ पड़ा सड़ रहा है। मुझे ही नहीं, आसपास के सभी लोगों को बेचैनी सी होती थी, जबकि कुछ लोग ख्याल जाहिर करते जासूस है, उसे जानबूझकर यहाँ रखा गया है ताकि यह हमारे मुल्क में दोबारा ब्रितानी राज को लाने में मदद करें। गली के लौंडे जब कभी वह दिखाई देता तो पूछते, साहब विलायत कब जाएगा? साहब क्विट इंडिया, काय को नहीं करता। हिंदुस्तान छोड़ दो साहब, अंग्रेज छोरा चला गया, वह गोरा गोरा चला गया, फिर तुम काय को नहीं जाता? सड़क पर आवारा घूमने वाले लौंडे उसके पीछे धेरी लगाते आवाजें कसते, जाएगा जाएगा बाबा। वह सर हिलाकर मुस्कुराता और अपनी खोली में चला जाता। तब मुझे उसके ऊपर बड़ा तरस आता। कहाँ हैं दुनिया के रखवाले जो हर कमजोर मुल्क को तहजीब सिखाते फिरते हैं, नंगों को पेंटे फ्रांके पहनाते फिरते हैं, अपन सफ़ेद खून की श्रेष्ठता का ढोल पीटते हैं। उनका ही खून जैक्सन के रूप में कितना नंगा हो चुका है, मगर उसे मिशनरी ढांकने नहीं आता। और जब गली के लफंगे तक हार के चले जाते तो वह अपनी खोली के सामने बैठकर बीड पिया करता। उसकी इकलौती असली आंख दूर क्षितिज पर उस मुल्क की सरहदों की तलाश करती, जहां न कोई गोरा है, न काला, न कोई जबरदस्ती जा सकता है और न आ सकता है, और न वहां बदकार माएं अपने नाजायज बच्चों को तेरी मेरी चौखट पर जनकर खुद अपनी संभ्रांत दुनिया आबाद कर लेती हैं। सक्खू बाई आसपास के घरों में महरी का काम करती, अच्छा खासा कमा लेती। इसके अलावा वह बांस की डलियां, मेज कुर्सियां वगैरह भी बना लेती थी। इस धंध से भी कुछ आमदनी हो जाती। जैक्सन भी अगर नशे में न होता तो उल्टी सीधी बेपिंदे की टोकरियां बनाया करता। शाम को सक्खू बाई उसके लिए एक थर्रे का अधाला देती, जिसे वह फौरन चढ़ा जाता और फिर उससे लेने लगता। एक रात उसने जाने कहां से थर्रे की पूरी बोतल हासिल कर ली और सारी रात पीता रहा। रात के आखिरी पहर में वही खोली के आगे पटकर सो गया। फ्लोमिना और पिट्टू उसके ऊपर से फलांद कर स्कूल चले गए। सक्खू बाई भी थोई देर उसको गालियां देकर चली गई। दोपहर तक वह वहीं पड़ा रहा। शाम को जब बच्चे आए तो वह दीवार से टेक लगाए बैठा था। उसे जोर का बुखार था, जो दूसरे दिन बकसर शाम दिमागी बुखार की सूरत इख्तियार कर गया। सारी रात तब वह न जाने क्या क्या बडबडता रहा, न जाने किसे किसे याद करता रहा, शायद अपनी माँ को जिसे उसने कभी नहीं देखा था, जो शायद इस वक्त किसी शानदार गैदरिंग में नैतिक सुधार पर भाषण दे रही होगी, या वह बाप याद आ रहा हो जिसने नस चलाने वाले सांड की सेवाएं लेने के बाद उसे अपने जिस्म से बही हुई गिलाजत से ज्यादा अहमियत नहीं दी, और जो इस वक्त किसी और गुलाम देश में बैठा अपनी कौम का साम्राज्य कायम रखने के मनसूबे ब ना रहा होगा, या डार्थी के उलाहना भरे एहसान याद आ रहे हों जो बेरहम किसान के हंटरों की तरह सारी उम्र उसकी संवेदना पर बरसते रहे, या शायद वो गोलियां जो उसकी मशीनगन से बेगुनाहों के सीनों के पार हुई और आज पलटकर उसकी रूह को डस रही थी। वह रात भर बडबडता रहा, चिल्लाता रहा, सर पटखता रहा, सीने को धड़कनी चलती रही। दर्दीवार ने पुकार पुकार कर कहा, मेरा कोई मुल्क नहीं, कोई नस्ल नहीं, कोई रंग नहीं, मेरा मुल्क और नस्ल सक्खू बाई है, जिसने मुझे बेपनाह प्यार दिया, क्योंकि वह भी तो अपने देश में बेवतन है, बिल्कुल मेरी तरह।
उन करोड़ों इंसानों की तरह जो दुनिया के हर कोने में पैदा होते हैं, न उनके जन्म पर शहनाई या बजती हैं और न उनकी मौत पर मातम होते हैं। पौ फट रही थी, मिलों की चिमनियां धुआं उगल रही थी और मजदूरों की कतारों को निगल रही थी। थकी हारी रंडियां अपने रात भर के खरीदारों के चंगुल से पिंड छुड़ाकर उन्हें रुखसत कर रही थी। हिंदुस्तान छोड़ दो, क्विट इंडिया, कटाक्ष और घृणा में डूबी आवाजें उसके जेहन पर हथौड़ों की तरह पड़ रही थी। उसने एक बार हसरत से अपनी औरत की तरफ देखा जो वहीं पट्टी पर सर रख कर सो गई थी। फ्लोमिना रसोई के दरवाजे पर टाट के पर्दों पर सो रही थी। पीटू उसकी कमर में मुंह घुसाए पड़ा था। कलेजे में एक हूक सी उठी और उसकी असली आंख से एक आंसू टपक कर मैली दरी में जजब हो गया। बरतानवी राज की मिट्टी हुई निशानी एरिक विलियम जैक्सन ने हिंदुस्तान छोड़ दिया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।